हेलो गाइस, फिर से आ गए नए एक वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो है ये बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि ये जो केक हम बनाने वाले हैं ये थोड़ा सा हटके, क्योंकि हम जो बनाने वाले हैं वो है फोंडेंट केक। और जो फोंडेंट केक बनने वाला है वो कौन सा थीम के ऊपर बनने वाला है वो आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। फिलहाल हम लोग जो कर रहे हैं कि फोंडेंट मिक्स कर रहे हैं, और अच्छे से हाथों से इसको मिक्सिंग करना पड़ता है, फिर इसको कलरिंग देके इसको कैरेक्टर बनाया जाता है। सो देखिए आगे आगे होता है क्या। अभी हम लोग ये जो वीडियो है ना, ये टोटल बहुत लंबा हो गया था, इसलिए स्पीड अप कर रहे हैं और देखते रहिए। ये जो कैरेक्टर बन रहे हैं ये हम लोग थोड़ा सा स्पीड अप करके दिए हैं। और देखिए कटिंग करके ये जो कैरेक्टर होता है ये सारा हम लोग बना रहे हैं। सच बात तो ये है कि ये जो केक बन रही है हम पहली बार बना रहे हैं, मतलब कि ये जो फोंडेंट का केक है ये इसका पहले हमने कभी नहीं बनाया। और ये जो प्रॉप बन रहे हैं, बेसिकली ये कैरेक्टर नहीं है, ये प्रॉप है जो केक के ऊपर डेकोरेशन के टाइम में काम में आएगा। तो इसको हमने स्पीड अप किया है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब बोरिंग टाइप सा हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से फोंडेंट मिक्सिंग कर रहे हैं, अच्छे से गूंद रहे हैं। और ये अच्छे से नीचे से भी साफ करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगा। और साइड में जो आपको वाइट वाइट देख रहे हैं ये कॉर्नफ्लावर दिया गया है, क्योंकि ये जो फोंडेंट है ना, ये जो स्टील का जो टेबल है ये टेबल के ऊपर चिपक जाता है। तो अच्छे से गूंदने के बाद फिर से कॉर्नफ्लावर देकर फिर से इसके ऊपर अभी ग्रीन कलर दे दिया। ये जो ग्रीन कलर है ना, ये पहले एक बार मिक्सिंग करके देखना पड़ता है कि कलर सही से आया कि नहीं। नहीं आया तो फिर से और एक बार दोबारा हमने कलर दे दिया। देने के बाद फिर से मिक्सिंग कर रहे हैं। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद अभी इसको बेलना पड़ेगा, और ये जो केक है इसका वाइज अच्छे से इसको बड़ा करके बेलना पड़ेगा, नहीं तो पूरा कवर नहीं होगा। अभी इसको कवर करके फिर पूरा सेट करके नीचे से हम लोग इसको क्या करेंगे, काट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसको अच्छे से हाथ से सेट कर लेंगे। और ये जो अंदर का जो हवा होता है ना, उसको निकालने के लिए हम लोग टूथपिक से छोटा छोटा सेट कर रहे हैं। और अभी जो है इसको जो प्रॉप हमने बनाया था उसको चारों साइड हम सेट कर रहे हैं। और ये सेट करना अच्छे से देखिए कैसे हम लोग इसको सेट कर रहे हैं। और ये सेट करने के वक्त क्या करना पड़ता है, जो प्रॉप होता है ना उसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा के ये जो केक है केक का ऊपर चिपकाना पड़ रहा है। और ऊपर देखिए ये जो बैट है, हैट है और बॉल है, इसको भी वैसे ही पानी दे के उसको चिपकाना पड़ रहा है। और ऊपर जो ये तीन होल देख रहे हैं इसके ऊपर विकेट लगाना पड़ रहा है। जो विकेट लगाया था ना ये पूरा मतलब झुक जा रहा था, इसीलिए इसको हमने फेंक के दोबारा से बना के फ्रिज में थोड़ा सा रखा था तो थोड़ा सा हार्ड हुआ था। और नीचे देखिए ग्रास बनाया और जो ग्रास के ऊपर फूल भी लगा दिया। तो देखते रहिए आप, क्योंकि इसका अभी शाइनिंग भी कर दिया। और ये देखिए ये जो है ये बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है देखिए, जैसे टाइटल में था IPL 2023। जैसे तैसे करके हमने केक तो बना लिया, पर जो केक का स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ लग सकता है आप लोगों को, क्योंकि हमने पहले बार ये ट्राई किया। और ये जो फोंडेंट का टूल्स होते हैं ना सेट करने के लिए वो हमारे पास नहीं था। सो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करना, और तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे नए एक वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड।